मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते प्रशासन द्वारा हरदा देवास जिले की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। हरदा जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों का पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर आने जाने वाले व्यक्ति के वाहनों की वीडियोग्राफी के साथ बारीकी से जांच की जा रही है, जिसमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अवैध शराब मादक पदार्थ लेकर प्रवेश न करे। इसी क्रम में हंडिया वन विभाग के जांच के नाके पर SST की टीम ने वाहनों की चेकिंग कर लाखों रुपये की राशि बरामद की है। हंडिया थाना प्रभारी अनिल गुर्जर ने कहा कि वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान अभी तक 10 लाख रुपए 21,000 रुपए की राशि जब्त की गई है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारी SST पॉइंट लगा हुआ है, इस पर निरंतर चेकिंग की जा रही है और जो भी अवैध तरीके से जो भी सामान जाता है उसकी चेकिंग की जा रही है। इसमें आज एक दो अलग अलग वाहनों की जब्ती की गई है, जिसमें 59,500 रुपये जब्त किए हैं। अभी तक कुल राशि 10,31,000 रुपये